हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल पटना की आशा में। ये देखिए फ्रेंड, आज मैं आपको नमकीन की रेसिपी दे रही हूँ, नए तरीके से बनाने का बतला रही हूँ कि कैसे बनाएं। अब बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ, पूरा ध्यान से हमारा वीडियो वॉच कीजिए, समझ जाइएगा। देखिए फ्रेंड, क्या करना है, एक कटोरा छोटे कटोरा से मैदा ले लें और हाफ कटोरा आटा लेना है। अगर आप चाहे तो आटा से भी बना सकते हैं, पर मैं थोड़ा मैदा और आटा दोनों को मिक्स करके ही बनाई हूँ, इसीलिए मैं उसी तरीके से आपको बतला भी रही हूँ। अजवाइन लेना है, काला वाला जो मंगरेला होता है फ्रेंड वो ले लें। नमक थोड़ा स्वाद के हिसाब से ही लें, थोड़ा लाइट में नमक यूज़ कीजिएगा, नमकीन में थोड़ा नमक थोड़ा लाइट ही अच्छा लगता है। और नमक ये सब डाल के आपको इस तरीके से मिला लेना है। अब इसमें क्या करूँगी फ्रेंड, मैं 2 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज करूँगी। रिफाइंड ऑयल देखिए मैं 4 चम्मच लूँगी। और उसके बाद क्या करिएगा, इस सब को मैं बहुत अच्छे तरीके से मिलाना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं फ्रेंड उस तरीके से ही इसे गूंथना है। और जब हम मुट्ठी में हमारा ये मैदा आटा जो है बंधाने लगे तो समझ जाइए ये हमारा बहुत अच्छा तरीके से इसमें हमारा ऑयल जो है वो मिल चुका है। तो उसके बाद मैं इसे पानी से सानना है, जैसे आटा हम गूंथते हैं उसी तरीके से इसे गूंथना है। और गूंथने के बाद मैं इसे रेस्ट में भी नहीं डालना है फ्रेंड, मैं डायरेक्ट बना के आपको दिखलाऊंगी। और ये बहुत अच्छा बनेगा और बहुत क्रिस्पी खास्ता भी बनेगा, आप बना के इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और थोड़ा सा डिज़ाइन मैं बता रही हूँ नए तरीके का, इसको मिलाइएगा थोड़ा सा फ्रेंड थोड़ा अच्छी तरीके से, क्योंकि ये अगर नहीं अच्छा से मिलेगा तो आपका जो नमकीन मैं बतला रही हूँ वो अच्छा से वो खास्ता नहीं होगा। मेन तो नमकीन जो हमारा होता है वो खास्ता क्रिस्पी होना चाहिए, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा मिलाने में आपको समय लगेगा, लेकिन हाँ अच्छी तरीके से मिलाना है। देखिए मैं आटा गूँथ ली हूँ फ्रेंड, और गूँथने के बाद मैं उसका गोला भी बना के रखी हूँ। लोई लोई लेना है, 5 को मैं बनाई हूँ। अब देखिए ये क्या कर रही हूँ, ये मैं 2 चम्मच मैदा ली हूँ और इसमें कि 2 से 2-3 चम्मच ऑयल लेना है, रिफाइंड ऑयल। और उसको इस तरीके से उसका एक पेस्ट तैयार करना है, इस तरीके से देखिए ये पेस्ट मैं तैयार कर ली हूँ। आप ऑयल के जगह घी का भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन मैं रिफाइंड ही ऑयल ली हूँ, घी नहीं यूज की हूँ, क्योंकि नमकीन है तो नमकीन में थोड़ा घी नहीं अच्छा लगता है, वो थोड़ा रिफाइंड ही तेल ठीक लगता है, तो मैं रिफाइंड ऑयल का ही यूज की हूँ। अब देखिए क्या करना है, मैं लोई काट के रखी थी फ्रेंड, अब इसे क्या करना है, आपको बेलना है जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से बेलना है। थोड़ा पतला पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा में नहीं लेना है, पतला पतला बेलना है। और बेलने के बाद मैं इसे इस तरीके से आप मैदा मैदा का ही ऊपर से डाल के छीट के और तब इसे बेलें। इसका मैं 5 रोटी इसका पूरा मैं इसी तरीके से बेल के 5 रोटी का बनाना है फ्रेंड, आप 4 या 5 रोटी का बना सकते हैं, उससे ज़्यादा मोटा नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो क्या होगा कि अच्छी तरीके से आपका सीझेगा नहीं तो वो क्रिस्पी नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। 4 से 5 रोटी बहुत ज़्यादा है, तो इतना का ही हमको बनाना है। अब देखिए क्या करना है, ये पेस्ट मैं तैयार कर ली हूँ। अब पेस्ट हमारा तैयार है तो मैं इससे क्या करूँगी, इस पेस्ट को इसमें देखिए इस तरीके से सारे में मिलाना है, एक लेयर जैसा इसमें हमें बना के ऊपर से इस तरीके से सारे में मिला देना है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो फ्रेंड तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब देखिए क्या करना है फ्रेंड, जब मैं नीचे वाले रोटी में एक लेयर इस पेस्ट का दे दी हूँ तो फिर मैं ऊपर से फिर रोटी में उसी तरीके से पेस्ट लगाना है आपको जो बना के हम रखे हैं, और उसके ऊपर से थोड़ा सा मैदा का छिड़का दूँगी इस तरीके से, लेके हल्का सा छिड़क देना है आपको। और उसके बाद फिर सारे रोटी को इसी तरीके से करके मैं सारा रोटी को इसके ऊपर एक के बाद एक के ऊपर अच्छा से रखना है मिलाते हुए, इस तरीके से थोड़ा सा हाथ से दाब दीजिएगा फ्रेंड, उससे क्या होगा कि रोटी आपका जो ये है वो खुलेगा नहीं और बहुत अच्छा तरीके से चिपका हुआ रहेगा इसी वजह से। अब देखिए सारा रोटी को मैं रख दी हूँ,
अब देखिए इसमें क्या करना है, अब मैं इसे बेलूंगी पतला सा, थोड़ा सा दो दो तीन बार इसे मैं बेलना है। अब बेलने के बाद क्या करना है फ्रेंड, थोड़ा सा इसे बेलूंगी तो थोड़ा सा पतला होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बतलाई हूँ आपको नमकीन, लेकिन इसका डिज़ाइन जो देखिएगा फ्रेंड बहुत ही अच्छा है। अब बहुत अच्छे और बहुत आसान तरीके का रेसिपी दी हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत ना हो बनाने में, इसलिए आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। और एक बार देखिए नहीं फ्रेंड, सिर्फ बना के भी देखिए, तभी पता चलेगा कि कैसा है। बना के देखिए, और बना के आप डब्बों में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होता है। देखिए हमारा रोटी कितना अच्छा निकल भी रहा है। इसी तरीके से रोटी थोड़ा सा हमें ये सारे पांचों रोटी को एक बाई एक करके, और देखिए इस तरीके से इसे बेल लेना है। अब ये इस तरीके से देखिए क्या करना है आपको, फोल्ड करना है इस तरीके से करते हुए। देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए आप थोड़ा सा हाथ से दाब दीजिएगा कि ये खुले ना। और इस तरीके से देखिए, अब हल्का सा जो लास्ट वाला है उसमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए लास्ट वाला थोड़ा सा पानी लगा के उसे चिपकाना है। देखिए ये जो मेरा ये इस साइड से आपका निकल रहा है फ्रेंड, इसे क्या करिएगा, थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, और पानी से ये बहुत अच्छी तरीके से आपका चिपक जाएगा, मतलब कि अच्छी तरीके से ये आपका बैठना चाहिए कि ये खुले ना। अब इसे देखिए मैं हल्का सा बेलूंगी भी। हल्का सा दो बेलन में बेलना है, और उसके बाद देखिए मैं इस तरीके से कटिंग करना है। थोड़ा सा पतला पतला ही कटिंग करना है फ्रेंड, एकदम पतला पतला कटिंग करना है कि ये आपका बहुत अच्छा लेयर बाय लेयर आपका देखिएगा, ये अंदर का आपका पूरा बहुत अच्छा दिखेगा और बनेगा भी बहुत अच्छा खासता क्रिस्पी। बस इसी तरीके से इस सारे को कटिंग करना है, पतला पतला ही काटना है फ्रेंड, ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। देखिए ये हमारा इस तरीके का कटिंग होने के बाद इस तरीके, जैसे कि वो खाजा होता है, खाजा वाला मिठाई होता है, उसी का ये मैं नमकीन बताई हूँ आपको। तो वो थोड़ा सा खाजा ना जो मीठा होता है वो थोड़ा बड़े में होता है, तो मैं ये शॉर्ट नमकीन बतलाई हूँ उसी का एक यह है, ये नमकीन का मैं रेसिपी दी हूँ। इस तरीके से देखिए ये हमारा रेडी है बन के फ्रेंड, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से सारे को काट लेना है। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा पतला पतला में ही काटे, ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। इसी तरीके से सारे को कटिंग करके, और उसके बाद आप इसे तेल में तल लीजिए। तेल जो इसका फ्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम में ही रखना है आपको इसका गर्म, क्योंकि जब अगर ज़्यादा तेल गर्म में रखेंगे तो ये क्या होगा कि आपका लाल तो हो जाएगा लेकिन ये क्रिस्पी नहीं होगा। और जब भी कोई नमकीन बनाए अगर उसे क्रिस्पी खस्ता बनाना है तो आपका गैस का जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। हाई पे क्या होता है फ्रेंड कि वो मतलब ऊपर से तो लगेगा कि पूरा बन गया है लेकिन वो अच्छी तरीके से अंदर से नहीं पकता है। इसी कारण जब भी कोई नमकीन बनाए तो इस गैस को थोड़ा सा कम कीजिए। अब देखिए ये सब जो है लेयर बाय लेयर दिख रहा है फ्रेंड, ये सब क्या होगा कि जब तक गैस आपका फ्लेम कम नहीं रहेगा तो ये अच्छी तरीके से पकेगा भी नहीं, और कच्चा भी रह जाएगा और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। इसलिए जब भी बनाइएगा गैस का फ्लेम कम करके, और थोड़ा सा देखिए हल्का सा इस तरीके से कल करना है, और करके देखिए इस तरीके से थोड़ा सा फैलाते हुए अब आपका ये सारा नमकीन तैयार हो गया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो फ्रेंड तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोग तक हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है फ्रेंड, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा नमकीन है ये, तुरंत बनने वाला भी है। ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा, और तुरंत देखिए झटपट में मेरा बन भी गया नमकीन। और थोड़ा सा ही देखिए मैं एक कटोरा आटा से ही बनाई बताई हूँ, ये देखिए कितना सारा ये हमारा बन के देखिए तैयार हो गया फ्रेंड। अब ये इस तरह को इसी तरीके से फैलाते हुए सारे को मैं तलना है, मैं आपको तल के भी दिखाती हूँ कि कैसे आपको तलना है ये सारे नमकीन को। अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है फ्रेंड, घर के रखे सामान से आप बना सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो मैदा के जगह आप पूरा आटा ही यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मैदा इसलिए यूज करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि हमारा थोड़ा घर का आटा रहता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लाल हो जाता है, तो इसी कारण मैं हल्का सा मैदा यूज करती हूँ। नहीं तो अगर आप लोग जैसे मार्केट का आटा यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट आटा का भी बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा नमकीन बनेगा। मार्केट का आटा का तो बहुत ही अच्छा नमकीन बन के ये तैयार होगा, तो आप लोग चाहें तो उस आटे से भी इस नमकीन को इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए हमारा कटिंग होने के बाद इस तरीके से नमकीन तैयार है। अब देखिए मैं इसको तल के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी थोड़ा सा तेल हमारा ज़्यादा गर्म है, तो इसको क्या करना है, ये इसी तरीके से इसको रहने दीजिए और गैस का फ्लेम जो है आप एकदम एकदम लो कर दीजिए कि ये आराम से एकदम पकने दीजिए। इसको थोड़ा सा समय दीजिए कि ये आराम से आपका पके, और जब हल्का हल्का नीचे से लगे कि बन गया है तो लाल कलर का जब दिखने लगे हल्का फुल्का, मतलब ज़्यादा नहीं लाइट कलर में, तो इसे क्या करना है आप पलट दीजिए और उलट पलट करके इसी तरीके से इसे बना लेना है। देखिए ये हमारा बन गया है, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से बन चुका है, तो इसे अब हम निकालना है और निकाल के किसी बर्तन में आराम से स्टोर करके इसे रख सकते हैं। लेकिन जब भी किसी बर्तन में स्टोर कीजिएगा फ्रेंड, पहले इसे क्या करना है ठंडा कर लीजिएगा, तभी किसी डब्बे में स्टोर करना है। गर्म को स्टोर मत कीजिएगा, नहीं तो इसका जो भाप होगा वो निकलेगा, उससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए कितना क्रिस्पी खस्ता हमारा बन के तैयार हुआ है ये नमकीन। आप लोग भी ज़रूर एक बार बना के देखिएगा इस तरीके से। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, आपके घर के रखे सामान से आप बना सकते हैं। मैं जो कुछ ऐसा नहीं बतलाई हूँ जो आपको लाने का ज़रूरत है। आटा घर में रहता है, मैदा घर में रहता है, बाकी सारा सामान तो घर का ही है फ्रेंड। तो आप एक बार बना के देखिए इस तरीके से, ये हमारा रेसिपी नमकीन का। और आप लोग को कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड। ये हमारा नमकीन तैयार है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।